जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सुशील पारीक के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया। देश में बढ़ते हुए गैंगरेप जैसी घटनाओं पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। इस अवसर पर कैंडल मार्च का भी आयोजन किया गया। हस्ताक्षर अभियान में जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचार्य वास के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। देखिए, पूरा देश जागा हुआ है। जागने का कारण है कि सरकार सो रही है। जब सरकार सो जाए, बच्चियों के साथ रेप हो, रेप पर भी राजनीति हो, ऐसे में सरकार की मॉरल ड्यूटी बनती है कि देश और धर्म की रक्षा करना सरकार की ड्यूटी है। और हमारा सबसे बड़ा धर्म है हमारी बच्चियों की सुरक्षा करना। जब जिस सरकार के शासन में, जिस पार्टी के शासन में बच्चियां डरने लगे, घबराने लगे और देश डरा हुआ नज़र आए, तब ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं सरकार की ईमानदारी में कमी है। सरकार खुद अपने आप को ईमानदार कहती है, लेकिन पूरा देश खड़ा हुआ है इस वक्त। और एक ही बात सवालों के घेरे में है कि आप लोगों की जबान पर ताला लगाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करना चाहते। सरकार की दहशत नज़र आनी चाहिए, सरकार का काम नज़र आना चाहिए और सरकार के बड़े मंत्रियों के बयानों में सुधार नज़र आना चाहिए। कोई भी सरकार का मंत्री जब शपथ लेता है, तब वो धर्म और जाति से ऊपर उठकर काम करने की बात करता है, लेकिन आज सरकार के मंत्रियों के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो इंसानियत को बांटने की बात कर रहे हैं। बच्ची जो छोटी बच्ची होती है या कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी इंसान होता है, उसका धर्म और जाति नहीं होता। अपराध को धर्म और जाति के नाम पर नहीं बांटा जा सकता। आप जिस दिन इस देश में अपराध को धर्म और जाति के नाम पर बांटेंगे, उस दिन आप अंदाज कर सकते हैं कि स्थितियां परिस्थितियां कितनी विकट हो जाएगी। आप इस देश को और देश की राजनीति को आप धर्म और जाति के आधार पर बांटते रहे, लेकिन अब आप अपराध को भी धर्म और जाति के नाम पर बांटने लगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए पूरा देश खड़ा हुआ है, जगह जगह कैंडल जलाई जा रही है, मार्च हो रहे हैं और लोग एक ही संदेश देना चाहते हैं। सब लोगों को जागना होगा, खड़ा होना होगा उन लोगों के खिलाफ जो अपराध को भी धर्म और जाति में बांटकर कम करना चाहते हैं। अपराध की कभी भी व्याख्या कम नहीं की जा सकती। अपराधियों के लिए फांसी की सजा है। जिन लोगों ने बच्चों से रेप किया, उसके लिए कुछ भी करे सरकार, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उन लोगों पर भी कार्रवाई करे जो गलत बयानबाजी करके और देश में अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं।